don't know about you, I'm feeling 22. यार पहली बार बात कर रहे हैं after I'm turning 22. Hello, welcome to June favorites, aka birthday month favorites. I feel good. I feel so good. मतलब 22 होने के बाद मुझे कोई फर्क लग तो नहीं रहा because I am such a child at heart. You know me. But I'm gonna share with you कि June के महीने में क्या क्या हुआ. What were like the highlights? If you watched the last two videos, then you know that now we are the co-founder of The Classic, as in I, but I don't like saying I, so we. Kumar and I started The Classic together. The Classic is a premium quality, 100% made in India clothing brand. Already launched our second thing, which is crop tops for 290. We're about to launch so much more, really, really good quality. Yeah. Let me know in the comment section if you could guess what I was trying to say. काफी बात करनी है क्लासिक के बारे में. I think उसके बारे में अलग से स्टोरी टाइम बना देती हूँ. But like just two highlights that I wanted to talk in this video. Am I going to now never wear any other clothing brand? And क्या मैं दूसरे क्लोथिंग के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगी मेरे चैनल पे? Yes, because इस बारे में मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि क्या आप अभी कभी कुछ रिव्यू नहीं करोगे? तो नहीं, आई एम गोइंग टू स्टिल बी अ यूट्यूबर. तो आई विल रिव्यू लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वांट मी टू रिव्यू, फ्रॉम न्यू क्लोथिंग ब्रांड्स टू न्यू स्टेशनरी इन द मार्केट, लाइक एवरी थिंग. सो क्लासिक का को फाउंडर भी एंड यूट्यूबर रिव्यू एंड स्टफ भी हम सब करेंगे. एंड पॉइंट नंबर टू दैट आई एम अ स्कैमर. आई डोंट नो, लाइक पर्सनल अटैक्स बहुत हुए थे मेरे पे, तो बहुत सीखने मिला एक्सपीरियंस से कि हाउ टू टेक द गुड फीडबैक एंड हाउ टू नॉट टेक द अब्यूजेस. बिकॉज मुझे वो पर्सन नहीं बनना जो कॉमेंट्स को पूरी तरह इग्नोर करते हैं. आई एम लर्निंग अ लॉट इन द प्रोसेस. तो थैंक यू फॉर गिविंग द क्लासिक सच अ बिग स्टार्ट. क्लासिक के बारे में और बात पूरे अगले वीडियो में करेंगे. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज ऑल द स्किन केयर एंड मेकअप. लाइक आई एम 22 नाउ. है मेरे थोड़े फेवरेट्स और प्रेफरेंसेस. तो लेट्स बिगिन. ओके, आई एम गोना स्टार्ट विद स्किन केयर. एंड टू नो सरप्राइज, आई हैव माय न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजर. यार आपने मुझे ना ये इतने महीनों से यूज़ करते हुए देखा होगा कि यू नो द होल लाइक साइंटिफिक थिंग टू इट, विटामिन ई इन इट एंड एवरीथिंग. बट आई हैव अ न्यू रिव्यू टू शेयर विद यू अबाउट दिस, विच इज दैट्स अगेन इन माई फेवरेट्स. के फॉर माई बर्थडे आई फाइनली सॉ माई फ्रेंड्स एंड कुमार एंड हिमानी. दे बोथ हैव डिफरेंट स्किन टाइप्स, बट दे बोथ केम कंप्लेनिंग टू मी कि हमारा स्किन इची फील कर रहा है. लाइक आफ्टर शावरिंग, आफ्टर वॉशिंग देयर फेस, उनका स्किन इची फील हो रहा था. ना लाइक ऐसा कैसे हो सकता है? बिकॉज मेरे को कभी हुआ है नहीं. आई थिंक माई स्किन इज़ प्रीटी नॉर्मल. तो मैं तो इतना एक्सपेरिमेंट करती हूँ स्किन केयर के साथ मेरे फेस पे कि आई एम यूज टू इट. तो आई गेव देम अ फ्रूट वाला स्किन केयर रेंज एंड इट डिड नॉट वर्क फॉर हिमानी एट ऑल. कुमार के लिए चल गया, बट दिस moisturizer worked well for both of them. So all three of us have different skin types and it worked for all of us. इसलिए I wanted to show to you again कि if you've been trying different skincare and things are not working for you, this is totally worth the investment. Your girl has makeup favorites. Makeup favorites. तो for the longest time मेरा makeup के साथ इतना झगड़ा चालू था कि यार makeup क्या है? Why do I have to use a concealer and foundation for like an even skin tone and perfect skin? तो बहुत टाइम तक मैं मेकअप अवॉइड की एंड लॉकडाउन में तो मैंने फुल ऑन ही अवॉइड किया वायरस के नाम पे कि हाँ वैसे भी सब सैनिटाइज करना चाहिए. तो मैं तो बड़ी आलसी हूँ, मैं सैनिटाइज नहीं करूँगी. तो मेजॉरिटी ऑफ द लॉकडाउन मैंने मेकअप नहीं किया. बट फाइनली मुझे लगता है कि आई हैव मेड प्रोग्रेस एंड मेड अ डिसीजन कि मेकअप मेरे लिए एक आर्ट फॉर्म है एंड मैं मेरे इनसिक्योरिटीज़ को छुपाने के लिए मेकअप नहीं करूँगी. सो ऑन माई बर्थडे स्किन पे कंसीलर भी नहीं लगाया मैंने, लेंसेज भी नहीं पहने एंड आई एन्जॉयड अ लॉट. लाइक द लुक दैट यू सी आई डिड इट फॉर ट्राइंग समथिंग न्यू फॉर आर्टिस्टिक पर्पसेज. तो उस चक्कर में आई हैव अ फ्यू न्यू मेकअप फेवरेट्स दैट आई वॉन्ट टू शो यू. द वेरी फर्स्ट थिंग इज द लिपस्टिक. लाइक इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारे लोगों को पसंद आई है लिपस्टिक, लाइक बहुत सारे डीएम्स आए. तो दिस इज़ मैक का वेलवेट टेडी. नाउ मैं एक्सपेंसिव लिपस्टिक्स यूज़ नहीं करती यूजुअली, बट ये मैंने सेट में ख़रीदा था. आई थिंक 6 लिपस्टिक्स फॉर 3000 या 3500 ऐसा कुछ था. तो ये मुझे रियलिस्टिकली 500-600 की पड़ी थी, बट अभी 990 की मिलती है. तो आई डोंट नो कि ये खत्म होने के बाद मैं नहीं लूँगी कि नहीं, बट दिस इज़ द शेड. मैंने अभी यही पहना हुआ है, तो यू गेट एन आइडिया. बहुत ही परफेक्ट है. मैं जब भी ब्लू आई शेडो भी करती हूँ ना, तभी भी ये लिपस्टिक बहुत अच्छे से मैच होती है. तो दिस इज़ दैट लिपस्टिक कि मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना है, तो मैं ये लगा लेती हूँ एंड काफ़ी अच्छा लगता है. तो दैट्स व्हाई आई लव दिस. माय फाउंडेशन, इट इज़ द रिमल मैच परफेक्शन.
यार फाइनली मैंने ढूंढ लिया एक अच्छा मच मोर अफोर्डेबल दैन मैक वाला फाउंडेशन, बिकॉज आई हैव बिन ओनली यूजिंग मैक का एक फाउंडेशन जो मैंने ताओ ताओ में आके खरीद लिया था मॉल से, बिकॉज तभी सैलरी आई थी ना, हम लाइक आज हम मैक का मेकअप खरीदेंगे एंड वो एक फाउंडेशन ऑलमोस्ट 3,000 का आता है, तो आई कांट आई मीन पर्सनली राइट नाउ आई स्टिल के नॉट अफोर्ड बार बार वो खरीदने को, होपफुली एक दिन आए जब मैं कर पाऊँ, तो तब तक आई रियली नीडेड अ फाउंडेशन जो अफोर्डेबल रेंज में हो, बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्राई न्यू मेकअप लुक्स एंड ये फाउंडेशन मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ एंड नायका हैड इट। मेरा शेड है 200 सॉफ्ट बेज, ये पम्प के साथ आता है पहले से, ज़्यादा नहीं। मेकअप स्वॉच करने का दिल कैसे करता है किसी का, अभी भी मैंने ये फाउंडेशन लगाया, इसका फिनिश बहुत अच्छा है। मेरे साथ मेबलिन फिट मी में क्या हो रहा है कि मैंने कभी मेरा एक्चुअल शेड नहीं देखा क्या है, तो मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड मैं कौन सा शेड लूँ, इसलिए मैं वही फाउंडेशन ले रही हूँ जो पहले मैंने यूज़ किया हुआ है मुझे जिसमें मेरा शेड पता है, बट वेन एवर इट इज़ सेफ नाउ टू गो एंड स्वॉच मेकअप इन अ फिजिकल स्टोर, मैं फिट मी ट्राई करना चाहती हूँ। फाइनल मेकअप प्रोडक्ट इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट, इट इज़ दिस पैलेट बाय रेवोल्यूशन, इट्स कॉल्ड टैमी एक्स एंड मृदुल शर्मा को शाउट आउट जाता है, उसने मेरी बड़ी हेल्प की ये पैलेट लेने में, बिकॉज आई वॉन्टेड अ पैलेट जिसमें शिमरी शेड्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हो और फुल कलरफुल पैलेट चाहिए थी एंड आई वॉज सुपर कन्फ्यूज कि कौन सी लूँ, बिकॉज आई हैव बॉट क्वाइट अ फ्यू पैलेट्स, मैं जब मेकअप वाला वीडियो बनाऊंगा ना आई टेल यू, बहुत पैसे बर्बाद हुए मेरे कलरफुल पैलेट्स में, एवरी पैलेट इज नॉट पिगमेंटेड, तो आई वॉज गोइंग टू इन्वेस्ट इन हुडा ब्यूटी, लाइक मेरे पास एक हुडा ब्यूटी का पैलेट है जो मैंने 50% ऑफ में लिया था, आई नो एक ही बार आया था नायका पे सेल एंड झपट लिया था, तो आई वॉज गोइंग टू बाय हुडा ब्यूटी के वो छोटे छोटे पैलेट्स, बिकॉज एवरी कलर हैड अ डिफरेंट पैलेट एंड शी स्टॉप्ड मी, शी लाइक वेट हेली आई हैव अ पैलेट विच विल मीट योर रिक्वायरमेंट्स एंड शी लाइक स्वॉच देम फॉर मी, तो थैंक्स मृदुल, बड़े पैसे बचाए, आई डोंट थिंक यू आर रेडी टू सी इट। रात के 2 बज रहे हैं तो मैं अभी स्वॉच करने नहीं होगा मेरे से स्वॉच, आई एम रियली सॉरी, आई नो बहुत हेल्प होता है स्वॉचेस देख कर, बट मैं पक्का एक वीडियो में करूँगी, पक्का प्रॉमिस, बस आज नहीं। तो ये पैलेट मैंने एक बार यूज़ किया है ग्लू आई शैडो लुक के लिए एंड द पिगमेंटेशन इज एक्चुअली सो गुड, तो मेरे को तो सारे शेड्स के साथ खेलना है, बड़ी मस्ती करनी है पैलेट के साथ। अब बात करेंगे फूड के बारे में, वन ऑफ माय फर्स्ट फेवरेट्स इज सोया मिल्क, मैं फाइनली वापस सोया मिल्क पे ऑलमोस्ट शिफ्ट हो गई हूँ, वेरी रेयरली डू आई कंज्यूम काउ मिल्क, 90% से कट डाउन हो गया मेरा सोया मिल्क फॉर सम रीजन, उसको मीठा करना काफी डिफिकल्ट है, लाइक उसमें चॉकलेट सिरप डाल दिया, बॉर्नविटा डाल दिया, उसमें कुछ डिजोल्व होता ही नहीं है, कुछ मिक्स ही नहीं होता, बट खजूर का टेस्ट बहुत सही आता है सोया मिल्क में, तो खजूर मुझे बहुत अच्छा लगता है स्मूदी में डालने में। थर्ड फूड फेवरेट जो मुझे लॉकडाउन में मिला विच वॉज लाइक माइंड ब्लोइंग फॉर मी वॉज कोको पाउडर, आई डिड नॉट नो कि 60 रुपए में विदाउट शुगर का कोको पाउडर मेरे किराने वाले के पास मिलता है, ब्लू बर्ड का आता है, बड़ा अच्छा है, मेरे दूसरे एक और स्टोर है मेरे घर के पास जिसमें लूज कोको पाउडर भी मिलता है 150 रुपीज़ में, आई थिंक 200 ग्राम, ऑल दिस टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ हर्शीज का अनस्वीटन वाला कोको पाउडर ही लिया है, बिकॉज वो इतने अच्छे से मार्केट किया गया है कि इट्स अनस्वीटन कोको पाउडर, कि आई थॉट कि जो भी बाकी कोको पाउडर्स मिलते हैं मार्केट में वो सारे स्वीटन ही होंगे, बट थैंक्स टू हिमानी शी शेयर विद मी कि ऐसे कोको पाउडर लाई है एंड वो बिल्कुल अनस्वीटेंड है, तो ये रहा है मेरे फूड का सीन। एंड माई फाइनल फेवरेट वॉज द बर्थडेज, मेरा बर्थडे, मॉम का बर्थडे, डैड का बर्थडे, टेक्निकली डैड का बर्थडे जुलाई फेवरेट्स में आना चाहिए, बट आई एम ऑलरेडी मेकिंग दिस वीडियो नाउ, तो अभी बता देती हूँ उसके बारे में। सो मॉम का बर्थडे आता है 20 जून को, उसके 6 ही दिन में आता है मेरा बर्थडे 26 को, और उसके और 7 दिन में आता है डैड का बर्थडे 3 जुलाई को। इसका काफ़ी फनी स्टोरी है कि व्हेन मॉम वाज प्रेग्नेंट विद मी इन हर बॉडी, बॉर्न होने का डेट आया था एंड ऑफ जून, तो मॉम चाहती थी कि मैं उनके बर्थडे पे बॉर्न हूँ 20 जून एंड डैड चाहते थे मैं उनके बर्थडे पे बॉर्न हूँ 3 जुलाई, एंड मैं एग्जैक्टली बीच में बॉर्न हुई। मेरे बर्थडे की बात करें तो क्या सरप्राइज, लाइक आई लिटरली क्राइड, इट वॉज ब्यूटिफुल, इतना सुंदर कैनोपी बनाया था कि द एफर्ट्स द लव समथिंग दैट आई विल रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, अगर लॉकडाउन नहीं होता ना तो
आई फील कि मैं ये बर्थडे मतलब मॉम डैड के बर्थडे के लिए कोई महंगे गिफ्ट ले आती, मेरे बर्थडे के लिए कोई अमेजिंग रेस्टोरेंट ढूंढती। लॉकडाउन नहीं होता तो ज़्यादा थोड़ा मटीरियलिस्टिक लाइफ होता। तो यही थे मेरे जून फेवरेट्स, और टाइम नहीं लूँगी आपका। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया तो गिव इट अ थम्स अप, अगर मज़ा नहीं आया तो बिंदास गिव इट अ थम्स डाउन, बट जस्ट बी ऑनेस्ट विद मी। आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून। अंटिल देन गुड बाय।